हे गाइस, मैं मुकेश और एक और नई रिव्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के पास यहाँ पर आज मेरे पास में पैलेडियम ओएस जो कि एंड्रॉइड 12 के ऊपर हमें देखने को मिलता है और इसका हम करने वाले हैं रिव्यू। तो जल्दी से आपको दिखाते हैं इसका रिव्यू। और ये है भाई एंड्रॉइड 12 जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके सिक्योरिटी पैच की, तो 5 मार्च का सिक्योरिटी पैच जो देखने को मिलता है जो कि काफ़ी लेटेस्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको कर्नल की बात करी जाए तो भाई कर्नल यहाँ पर कर्नल आपको परफेक्ट प्लस का देखने को मिलता है। और यहाँ पर थोड़ा चलते हैं, अपडेटर वगैरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को वैसे तो मिल रहे हैं। और पैलेडियम के अंदर काफ़ी अच्छी इसके अंदर हमें कस्टमाइजेशन तो थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन जो भी है वो सारी आपको दिखाऊँगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्सल इम्प्रिंट का जो कि भाई काफ़ी अच्छे से काम नहीं करता है और कई बार प्रॉब्लम होती है इसके फिंगरप्रिंट के अंदर। और यहाँ पर आपको सेफ्टी नेट का पास भी देखने को मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेफ्टी नेट के अंदर। और वैसे मैं दिखाऊँ दोस्तों, यहाँ पर सेफ्टी नेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर को यहाँ पर आपको दिखाएं तो काफ़ी सारी, हालांकि यहाँ पर एंड्रॉइड 12 है तो एंड्रॉइड 12 की आपको विजेट्स तो इसके देखने को आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। डिस्प्ले में चलो, डिस्प्ले के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। कस्टमाइजेशन की बात करें तो कस्टमाइजेशन में आपको यहाँ पर स्टेटस बार में आप आगे तो आपको 4G आइकॉन, स्मॉल मोबाइल आइकॉन, डेटा और बैटरी का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेटवर्क स्पीड का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये कस्टमाइजेशन इसके अंदर अलग से देखने को कुछ इस तरीके से मेरे मेसलेस में चला है तो आपको बैटरी चार्जिंग लाइट है और भी कुछ कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं एडवांस लेवल का आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। यूज़ मोनेट का ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन में आओगे तो लॉक स्क्रीन में थोड़े बहुत फीचर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर कुछ खास तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो भाई काफ़ी मतलब चार्ज लगा दे, लेकिन इसका स्टेटस बार है जो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करी जाए थोड़ी सी बैटरी बैकअप के बारे में, तो बैटरी बैकअप तो मेरे पास है, इसका स्टेटस मैं आपको दिखाऊँ तो बैटरी बैकअप के लिए भाई हीटिंग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। माना 62% 7 घंटे 36 मिनट में डिस हुआ है और इसके बाद पता नहीं है इसने कोई रिकॉर्ड नहीं किया है। और अभी आप देख सकते हैं डिस्चार्जिंग लेवल किस तरीके से हो रहा है, तो ये डिस्चार्जिंग लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है। और MIUI का हमें कैमरा देखने को मिलता है जो कि ये काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी है कि MIUI का कैमरा हमें अपने मैक्स प्रीमियम के अंदर देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ी सी यहाँ पर आपको और अंदर डीप में लेके चलूँ तो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर इसके अंदर फुल GF होने के बाद भी देखने को मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। प्लस यहाँ पर काफ़ी सारे और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि कुछ गूगल ऐप्स जिसके साथ में आते हैं, आपको अलग से ओनली 4G का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको LTE रिकमेंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये स्टेटस बार इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। ये आपको बजट्स के अंदर आप क्लॉक्स में आओ तो आपको क्लॉक्स भी काफ़ी सारे देखने को मिल ही जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलग अलग वेरियंट देखने को मिल जाते हैं क्लॉक्स के। और आप सेटिंग में आओगे तो आपको कुछ और सेटिंग में यहाँ पर काफ़ी मतलब जो सिग्नल आइकन्स हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। इंटरनेट में आपको कोई भी अलग से हमें इस तरीके का ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे मतलब कि हम ओनली 4G LTE का ऑप्शन का चुनाव कर पाएँ। तो चलें इसके सेटिंग में और थोड़ा सा आपको दिखाएं तो LTE रिकमेंडेड है। और स्टार पर भी ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। हालांकि करियर वीडियो का कॉलिंग तो आपको देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पर काफ़ी मिसिंग फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। पैलेडियम के वॉलपेपर्स में आपको कोई भी वॉलपेपर देखने को नहीं मिलेगा। बट ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस के बदले बात करूँ तो एवरेज ही है, परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन इसके अंदर फीचर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है अभी। और यहाँ पर साउंड की थोड़ी सी अगर आपको थोड़ा सा अगर इसका रूबरू करवाऊँ तो साउंड भाई ठीक है, कोई ज़्यादा बेकार नहीं है लेकिन काफ़ी ठीक है। इसके अंदर अनलिमिटेड फ़ोटो स्टोरेज का भी कोई ऑप्शन मुझे अभी तक नहीं दिखा है। और चलें फ़ोटोज़ में तो आपको कहीं भी अलग से ऑप्शन देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये पिक्सल डिवाइस को हमें इस तरीके से शो नहीं करता है। तो ये है हमारे मैक्सिमम पैलेडियम का एक नॉर्मल सी रोम है जिसके अंदर थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको जम के आपको देखने को मिलेगी कोई बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये कंप्लीट कहानी है इसकी, कोई अधिक कस्टमाइजेशन ना होने के कारण ये वीडियो में इसको यहीं पर एंड कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा और इसके बारे में आपको बताती। तो ये कंप्लीट कहानी, सिक्योरिटी में कोई दिक्कत है ही नहीं है और यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बड़े ही सिंपल सी रोम है जिसको आप यूज़ कर सकते हो एंड्रॉइड 12 की। तो गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और भी काफ़ी नए रोम्स की वीडियोस आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।